गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम इस चैप्टर का समापन करेंगे। तो चौथी पांचवी वीडियो में हमने पढ़ा कि विश्वामित्र भी जानते हैं कि मुनि परशुराम को चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, और ये जो राम और लक्ष्मण हैं इनको साधारण क्षत्रिय राजकुमार समझ रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। लखन के हुमुन शील तुम्हारा, कौन ही जान विदित संसारा। शील मन स्वभाव, विदित मन जानता है, को मन को नहीं मन कौन नहीं अर्थात सभी। लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा कि हे मुनिभर, तुम्हारे स्वभाव के विषय में कौन नहीं जानता है, अर्थात संपूर्ण संसार तुम्हारे स्वभाव के विषय में जानता है। मात पिता उरण भई नीके, तुम माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार से मुक्त हो गए हो। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, अब तुम्हारे ऊपर गुरु का ऋण रहा है, इसलिए तुम उस ऋण की, गुरु के ऋण की तुम्हारे मन में बड़ी चिंता हो गई है। सोजन हमरे माथे काढ़ा, सो उस गुरु के ऋण को आपने हमारे माथे मढ़ दिया है। दिन चल गए ब्याज बड़ चाढ़ा, और दिन भी बहुत हो गए हैं, इसलिए उस गुरु के ऋण का ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया है। अब आनी व्यवहार्य बोली, व्यवहार्य माने अच्छी तरह हिसाब किताब करने वाले को आप बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, तो मैं तुरंत अपनी थैली को खोल दूंगा और तुम्हारा हिसाब किताब चुकता कर दूंगा। सुने कटु वचन को ठार सुधारा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधार कर पकड़ लिया, यानी परशुराम लक्ष्मण को मारने के लिए उद्यत हो गए। हाय हाय सब सभा पुकारा, तो सभा में जितने भी उपस्थित सदस्य थे सब हाय हाय करने लगे। भगवर परस दिखावा हूँ मोही, विप्र विचार बचौन दोही। इतने पर भी भृगुवर माने भगवंश के मुनि यानी परशुराम से लक्ष्मण ने कहा कि आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो, विप्र विचार बचौन दोही, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध करने से बच रहा हूं। मिलेन कबू सुभट रन गाढ़े, सुभट रन गाढ़े माने अच्छे योद्धा। लगता है आपको कभी युद्ध भूमि में अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, हे ब्राह्मण देवता आप अपने घर में ही वीर बने हो। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, लक्ष्मण को अभद्र वचन कहते देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग लक्ष्मण के व्यवहार की निंदा करने लगे। रघुपत सैनन नयन नेवारे माने रोके, मना किया। रघुपत माने श्री राम ने। तब रघुपत सैनन नयन लखन नेवारे, तब राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना किया। लखन उतर आहुत सरस, रघुवर पुरो पुक शान। रघुवर माने परशुराम की क्रोध, कृषाण माने क्रोध रूपी अग्नि को, परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लखन उतर आहुत सरस, लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे, यानी लक्ष्मण के वचन परशुराम की क्रोध रूपी को और बढ़ा रहे थे। बढ़त देख जलसम वचन बोले रकुल भान, तब परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। तो थैंक यू, इस वीडियो में बस इतना ही, चैप्टर फिनिश हुआ।